एकच मिनिट द्या मला. ओके, एक दोन मिनिट फक्त सगळ्यांनी शांत रहा, तोपर्यंत मी थोडस चेंज करतोय. हॅलो एव्हरीवन, आपण एक दोन मिनिटांनी क्लास चालू करतोय, तोपर्यंत सगळ्यांनी थोडं शांत राहा. We will start class in just 2 minutes. मुझे 2 मिनट चाहिए सबसे. तब तक सब अपने अपने स्कूल के नाम, अपना नाम लिखना स्टार्ट करो ग्रुप में. जल्दी से कमेंट्स में अपने अपने नाम, अपने स्कूल के नाम लिखना स्टार्ट करो. हम क्लास 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे. एवरीवन प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर नेम एंड स्कूल नेम. क्लास एवरीवन, आई एम आस्किंग अगेन, प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर नेम स्कूल नेम इन कमेंट. मेक श्योर दैट नोबडी इज मिसिंग दैट. ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं. आपका नाम, आपके स्कूल का नाम लिखना जरूरी है सभी बच्चों को. मेक श्योर वो आप लोग लिखें. आपका नाम और आपके स्कूल का नाम लिखना है सभी को, सभी बच्चों को. सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम जरूर लिखना है. जितने बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं सब अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर लिखें. क्लास हमारा 2 मिनट में स्टार्ट हो रहा है. आज पेपर आपको क्लियर दिख रहा है? पेपर आपको क्लियर दिख रहा है क्या सभी को? आज कोशिश करूंगा कि कल जैसा ब्लर ना हो. जैसे कि हम जानते हैं आज से हम मेमोरी ड्राइंग सीखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण पेपर है. इस पेपर में आपकी बहुत, आपका नॉलेज, आपका इमेजिनेशन, इन सब चीज़ों का बहुत यूटिलाइज होता है. सो मेमोरी ड्राइंग, जिसे हम मराठी में स्मरण चित्र बोलते हैं, वो आज हम सीखना स्टार्ट करेंगे. सीखेंगे भी और इसे हम कलर कैसे करना है वो भी हम अब से स्टार्ट करेंगे. तो अभी तक हमने वस्तु चित्र, मतलब स्टिल लाइफ ड्राइंग, उसके बाद भूमिति विच इज़ नथिंग बट ज्योमेट्री, उसके बाद डिज़ाइन मतलब आपका संकल्प चित्र, ये हमने अभी तक सीखा है, और अक्षर लेखन विच इज़ अ लेटरिंग, ये हमने सीख चुके हैं. अब लास्ट का जो कि सबसे मेन है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, जो कि सबसे टफ माना जाता है, क्योंकि बच्चों को ड्राइंग लाइक पीपल ड्राइंग वगैरह करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो उस हिसाब से ये पेपर सबसे टफ माना जाता है. इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 2.5 घंटे का टाइम मिलता है. उस टाइम में
आपको एक ड्राइंग बना के, जी एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को आपको बनाना होता है और उस टॉपिक को जो भी आपने बनाया है उसे आपको कलर भी करना होता है। सो ये टोटल 3 स्टेप्स में डिवाइड होने वाला प्रोसेस है। अब हम इसे सीखने की कोशिश करते हैं। सो आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, 41 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन, अराउंड 42 कम ज़्यादा हो रहे हैं, सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेंथ। कल से मुझे यही स्ट्रेंथ चाहिए डेली बेसिस पे। आप सबको पता है कि हमारे क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे चारों दिन होते हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे चारों भी दिन आप लोगों का इतना ही स्ट्रेंथ फुल चाहिए क्लास में। अब से कोई अब्सेंट नहीं रहेगा क्योंकि अब से आपके मेन एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका सबसे बड़ा टॉपिक होगा। चलो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिख लीजिए सब अपने ड्राइंग बुक पे, एक क्वेश्चन लिख लीजिए ड्राइंग बुक में, क्वेश्चन लिख लीजिए सभी, मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड है, मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख लीजिए। मार्केट में से सब्जी खरीदने वाले, मार्केट में सब्जी खरीदने वाले और सब्जी बेचने वालों का चित्र बनाना है। मतलब हमें इन शॉर्ट एक मार्केट का चित्र बनाना है जिसमें कुछ लोग सब्जी खरीद रहे हैं और कुछ लोग सब्जी बेच रहे हैं, इस तरह से। ओके, ये टॉपिक आपको पेपर में आता है, इसे आपको ड्रॉ कैसे करना है अब मैं आपको ये सिखाऊंगा, इस टॉपिक को ड्रॉ कैसे करना है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है देखना जाए तो, आपको क्या करना है, एक बाजार दिखाना है, बाजार में लोग चीज़ें खरीद रहे हैं और कुछ लोग चीज़ें बेच रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को जब हम ड्रॉ करते हैं, इस टॉपिक को जब आप ध्यान में लगाते हो, तो आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या दिखाना चाहिए इसमें, क्या क्या आना चाहिए? मार्केट जब आप बना रहे हो उसमें क्या क्या आना चाहिए, आपको क्या क्या लगता है, आप क्या ड्रॉ करना चाहिए इसमें, गेस करो, आप इसमें क्या क्या दिखा सकते हो? गेस करो आप क्या क्या दिखा सकते हो? चलो कमेंट्स में बताओ मुझे। अरे इतने सारे कमेंट्स आ गए, क्या बात है। वेजिटेबल्स दिखा सकते हैं, वेरी गुड, पीपल हु आर टेकिंग वेजिटेबल एंड पीपल हु आर सोल्डिंग वेजिटेबल्स, वेरी गुड। और क्या दिखा सकते हो? अरण्येश्वर स्कूल से कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं? साई इंग्लिश स्कूल, HUD, वेरी गुड। मुझे कल से डेली इतना ही स्ट्रेंथ चाहिए, सारे बच्चे कल से 9:30 बजे विदाउट फेल ज्वाइन होना है। लिंक मिले या ना मिले, बहुत बार आप लोगों तक लिंक नहीं पहुंचती है, लिंक ना भी मिली हो तो भी आप मेरे चैनल पे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 9:30 बजे आप जैसे मेरे चैनल पे लॉगिन करोगे, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्लास दिख जाएगा और आपको वैसे ज्वाइन करना है। तो आज जितने भी बच्चे नए आए हैं सब एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कल से आप अपने आप को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और कल आप इजीली ज्वाइन कर पाओगे। सबसे पहले क्या करना है, ड्राइंग पेपर जो आपका बड़ा ड्राइंग पेपर होता है उसके 2 सेंटीमीटर साइड छोड़ के एक बॉक्स बना लीजिए। अभी के लिए मैं छोटा बॉक्स बना रहा हूँ ताकि वो आपको दिखे, ड्राइंग पेपर जो है आपको पूरा दिखे इसलिए, बट आप जब ड्रॉ करोगे तो मेक श्योर कि आप 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर बनाना भूलना नहीं है, कम से कम 2 सेंटीमीटर की बॉर्डर आपको बनानी है। मैं अभी इतना ही साइज ले रहा हूँ ताकि वो आपके ड्राइंग पेपर में दिखे, जो भी मैं बना रहा हूँ वो आपको दिखे, इसलिए मैं इतना ही ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ। बट जब आप ड्रॉ करोगे मेक श्योर कि आप हर कॉर्नर से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के ही उसे ड्रॉ करोगे। मैं ड्राइंग छोटा बनाऊंगा क्योंकि वो आपको दिखना चाहिए पूरा इसलिए, बट जब आप ड्रॉ करोगे आप इसे बड़ा ड्रॉ करना आपके पेपर के हिसाब से।
नॉर्मली आपको जो एग्ज़ाम में पेपर दिया जाता है वो A3 साइज़ का होता है, तो ये जो एक पेपर है मेरा ये A3 साइज़ पेपर है पूरा। नॉर्मली उनका एक्सपेक्टेशन यही होता है कि इसके 2 सेंटीमीटर आप छोड़ के फिर आप इसमें ड्राइंग करो। वेजिटेबल एंड प्लेन प्लान ड्राइंग, ओके वेरी गुड। आज बहुत से बच्चे आए हैं, आई एम सो हैप्पी। चलो अब सबसे पहले काम हमें करना है इसे ड्रॉ करना है, ओके ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले, पहली स्टेप क्या होती है कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने से पहले उसका मैपिंग करना। मैपिंग करना मतलब हमें इमेजिन करना है कि वो ऑब्जेक्ट हमें कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, ये पहले हमें सोचना है और फिर उस हिसाब से हमें उसका मैपिंग करना होता है। आज कलरिंग, अगर हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है बहुत जल्दी तो हम लोग कलरिंग भी आज कर लेंगे, नहीं तो कलरिंग हम कल करेंगे, बट मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, ओके तो डोंट वरी। तो आज हम लोग पहले ड्राइंग कैसे बनाना है वो सीखते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट। पहले क्या करना है, मुझे इमेजिन करना है, तो सबसे पहले रफ ड्राइंग बनता है। रफ ड्राइंग मतलब एकदम हल्के हाथों से ड्राइंग बनाना है, कभी भी पेंसिल को डार्क मत यूज़ करना, एकदम हल्के हाथों से आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको पोजिशंस पता चले कि कहाँ पर क्या बनाना है, ओके तो मैं पहले, इसे बोलते हैं स्केच करना, स्केच करना है। मैं यहाँ पे एक आदमी दिखाने वाला हूँ इस तरह से, इसे मैं बोलूँगा स्केच, ओके रफ स्केच होता है। इसमें आपको बस इमेजिन करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से दिखेगा, एक बार देख लो फिर आप बनाना, मैं आपको टाइम दूंगा बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि इसके हाथ में तराजू हो, ये कुछ नाप तोल रहा है इस तरह से, एक इमेजिनेशन चल रहा है अभी, अभी इसे मैं ड्राइंग नहीं बोलूँगा, इसे बस मैं इमेजिनेशन बोलूँगा, ओके क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह से ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे उसकी टोकरी होगी, कुछ रखा होगा सामान उसने, एक और टोकरी दे देते हैं, इसमें कुछ सामान रखे हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूँ इसको ड्रॉ करने से पहले, पूरा ड्राइंग करने से पहले मैं इसको एक इमेजिन कर रहा हूँ। आपको ड्राइंग पेपर पे भी ऐसे ही करना है, एग्ज़ाम के वक्त में पहले एक, इसे बोलते हैं हम रफ ड्रॉ करना, किसी भी चीज़ का रफ ड्राइंग करना। रफ ड्राइंग के लिए आप एग्ज़ाम में कम से कम 10 मिनट का यूटिलाइज़ करो, इनिशियल डेज 10 मिनट आप कोई भी टॉपिक जो दिया होता है उसको समझ के उसका रफ ड्राइंग करना है। रफ ड्राइंग में सिर्फ बेसिक, आपको बस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो आपको कवर करना है। दिख नहीं रहा है इज इट, मैं थोड़ा सा लाइट यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल, बिकॉज वो आपको बाद में कलर करना है इसलिए। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है क्या? थोड़ा सा डार्क कर सकता हूँ मैं और, बट ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बाद में इसे इरेज भी करना है, ओके क्योंकि ये रफ ड्राइंग है ना, तो हमें रफ ड्राइंग को वापस बाद में इरेज भी करना है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है, दिखाने के लिए। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, इसे हम बोलते हैं रफ ड्राइंग, ओके यहाँ पे भी एक आदमी मैं दिखाऊंगा जो कि और भी कुछ बेचने के लिए बैठा हुआ है। ये आदमी पास में है तो ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। हर इंसान को पूरा बनाने की कोशिश मत करो, बस आपको जो उस मोमेंट पे याद आ रहा है, जिस तरह से आप देख पा रहे हो चीज़ों को, उस तरह से बनाने की कोशिश करना। इसने भी कुछ सामान रखा है बेचने के लिए, इस तरह से कुछ ग्रीनरी भी होगी,
अभी जो भी मैं बना रहा हूँ मैं इसे इमेजिनेशन के तौर पे बना रहा हूँ, और आपको भी इसी तरह से बनाना है। जैसे कि इसका कोई एक शॉप होगा, मार्केट है तो एक आध दूसरा शॉप भी है, कोई ट्री भी होगा पीछे की तरफ। बेसिकली गांव का सीन दिखा रहा हूँ, गांव की जो बाजार भरता है उस हिसाब से ये एक सीन बना रहा हूँ। सर कैन वी टेक HB पेंसिल फॉर दिस स्केच? यस, आप HB यूज़ कर सकते हो या फिर 2H पेंसिल यूज़ कर सकते हो। सर कैसे बनाया, दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सबको? थोड़ा सा लाइट बना रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले बोला, क्योंकि मुझे वापस इसे इरेज भी करना है ना, तो मैं अभी के लिए इसे लाइट बना रहा हूँ, बट अभी मैं जब इसे वापस डार्क करूँगा तब आपको ये अच्छे से दिखेगा। ओके, तो 1 मिनट के लिए बस आप थोड़ा सा सब्र करो, आपको ये अच्छे से दिखेगा। पीछे की तरफ भी कोई शॉप है या दुकान होगी इस तरह से, और लेट से इस आदमी के पास भी एक छत है। छत, इन शॉर्ट हम इसे थोड़ा सा इस तरह से दिखा देते हैं। एक आदमी बैठा है, इस तरह से हमने इसे दिखाया। अब ये मेरा इमेजिनेशन है। ओके, मैंने जैसे पहले बोला कि आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, इमेजिनेशन। जो आप इमेजिन कर रहे हो उससे आपको एक रफ ड्राइंग करना है। जरूरी नहीं कि आपका रफ ड्राइंग एग्जैक्टली वैसा ही लगे जैसे आप आउटपुट जो आपको एग्जैक्टली बनाना है। ओके, आई नो इट्स नॉट विजिबल टू ऑल, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा या फिर थोड़ा सा एकदम लाइट दिख रहा है, बट थोड़ा सा 2 मिनट के लिए वेट करो, क्योंकि अभी हमने सिर्फ रफ ड्राइंग किया है। इट्स दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन कि हम क्या सोच रहे हैं, कैसे बनाने वाले हैं। अब इसे हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट्स को ठीक से, एक एक चीज को ठीक से बनाएंगे, तब आपको ये अच्छे से दिखेगा। मैं ड्राइंग करने के लिए बोल्ड पेंसिल्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो आप सबको अब दिखेगी, बट आप लोग ड्राइंग करते वक्त HB या 2B पेंसिल का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए सही होगा। और जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को, फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल भी आपको अगर लिंक नहीं मिलता है टाइम पे तो आप 9:30 बजे जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यस, आई नो कि थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा है, बट अब हम इसे डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम डेवलप करना स्टार्ट करेंगे ये आपको सही से दिखेगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने ये जो इमेजिनेशन किया है अब मैं इसे डार्क ड्राइंग करना स्टार्ट करूंगा, जो कि आपको दिखेगा। ओके, अब दिख रहा है कि आपको, ये सबको दिख रहा है? दिख रहा है क्या सबको? यस, क्योंकि अब मैं ड्राइंग थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं तो ये आप सबको दिखेगा। तो मैंने जो इमेजिनेशन किया था, सो दे डिडंट सिलेक्ट हाई क्वालिटी ऑफ वीडियो, ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा, नहीं पता, और मे बी उनके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड होता है, तो वी कैन नॉट फोर्स देम कि आप सबके पास में, आप सबको हाई डेफिनेशन ही यूज़ करो, क्योंकि हाई डेफिनेशन जब यूज़ करते हैं सिलेक्ट करके तो उसमें बहुत इंटरनेट चला जाता है, और बहुत से हमारे बच्चे जो हैं उनके पास में लिमिटेड डेटा सेट होता है, सो इवन दे आर वॉचिंग इट थ्रू द SD, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल से हैं। तो ये हमने क्या बनाया, एक पेड़, पेड़ का थोड़ा सा शेप दे देते हैं यहाँ पे। आप भी बनाने की कोशिश करो मेरे साथ, आप सब भी मेरे साथ बनाने की कोशिश करो।
थोड़ा सा चेंजेस रहेगा तो भी चलेगा, बट बनाने की कोशिश ज़रूर करो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ा वेट कर लूँगा। पीछे की तरफ एक घर है। पेन नहीं काढ़ा दादा, शुड आई यूज़ पेन? पेन से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। वेट, लेट मी टेक इट। अब मैं पेन यूज कर रहा हूं। यस, अब दिख रहा है, ये दिख रहा है दीपक, सॉरी जिन्ना के मे बी डैड का नाम होगा, पेरेंट्स का नाम होगा दैट आई यूज्ड, बट अब ये वाला पेड़ दिख रहा है सभी को। सर हो इज पेंसिल यूज करा? ओके नो, आई विल यूज पेन सो दैट पेन विल बी विजिबल मोर प्रॉपरली टू यू। ओके देखो ये ज्यादा क्लियर दिख रहा है, राइट? तो यहाँ पे हमने एक बेस बना दिया, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे हमें क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है, एक शॉप बनानी है छोटी सी। यहाँ पे एक शॉप का हिसाब बना दिया। अब यहाँ पे हमने एक आदमी बनाया था, तो चलो इस आदमी को ड्रॉ करते हैं। एक किसान बनाना है हमें जो कि सब्जी बेच रहा है, तो उसका थोड़ा सा लुक उसी तरह से लेने की कोशिश करो। बहुत से बच्चों को फेस कैसे ड्रॉ करना है ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, ओके? तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले मुझे एक बेसिक बना लेने दीजिए, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि फेस कैसे बनाते हैं, बॉडी कैसे बनाते हैं, इस पर भी मैं आपको गाइड करूँगा, ओके? तो आज से हम लोगों के बस मेमोरी ड्राइंग ही चलने वाला है। तो आपके जो भी डाउट्स होंगे मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड, कि मेमोरी ड्राइंग में क्या क्या करना है, कैसे करना है, कोई इंसान बनाना है लेकिन उसका शेप नहीं समझ में आ रहा, कैसे बनाऊं, तो ये जो भी क्वेश्चंस होंगे आप डेफिनेटली मुझे पूछिए। हम उसको डेली, हम लोग जब कनेक्ट करेंगे तब हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके? इसके हाथ है यहाँ पे और ओके, ये उसका सीन हो गया कि ये खड़ा है यहाँ पे, ओके? मे बी कुछ रख देते हैं यहाँ पे ताकि कुछ सेल कर रहा है, इस तरह से दिखे। फर्स्ट पेपर तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ड्राइंग है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग का हमने बहुत से वीडियो बना लिए हैं, करीबन हमने 6-7 वीडियोज ऑब्जेक्ट ड्राइंग पे बनाए हैं, और मैं आप लोगों को लिंक भी भेज दूंगा या फिर आप मेरे चैनल में देख लीजिए, नीचे आपको दिख जाएगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग नाम से ही मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। हमने सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, सारे टॉपिक्स पे ऐसे ही लाइव सेशंस हमने कंडक्ट किए हैं। आप लोगों तक मुझे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया इसलिए सॉरी, बट अब से आप लोग भी याद रखो कि अगर आपके भी कोई ड्राइंग सीख रहे हो तो आप लोग डेली इसे ज्वाइन करो। डेली आप मंडे टू थर्सडे 9:30 हमारे क्लास चलेंगे अब से, तो आपसे मिस नहीं करना है, आपको डेली ज्वाइन करना है। अगर आपको लिंक मिले ना भी मिले तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को लिंक ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। थोड़ा सा हाथ को हमने फोल्ड किया दिखाया। सी, ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपको आने लगेगा, ओके? पेन यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं, आप लोग एग्ज़ाम में पेन नहीं यूज़ कर सकते। मैं पेन इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये आप सबको दिखे, ओके? क्योंकि बहुत से बच्चों के तरफ से आ रहा है डिमांड में कि ये ब्लर दिख रहा है या फिर लाइट होने की वजह से दिख नहीं रहा है, बट
आप लोग जब ड्रॉ करोगे इसे पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे, मेक श्योर कि आप इसके लिए HB और 2B पेंसिल ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा बोल्ड पेंसिल यूज़ ना करें। कैन वी यूज़ पेंट टू मेक दिस? नो सर, वी कैन नॉट। आई एम यूजिंग पेंट जस्ट बिकॉज इट शुड बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, बट यू हैव टू यूज़ पेंसिल ओनली, दैट शुड बी ऑल्सो HB और 2B, नॉट बियॉन्ड दैट। ओके, एवरीथिंग यू हैव टू यूज़ पेंसिल। नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेट्स से यहाँ पे उसका हाथ है, और यहाँ पे ये क्या बेच रहा है? पम्पकिंस, ये पम्पकिन बेच रहा है, राइट? जितने भी बच्चे आज मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बार आपको लिंक नहीं मिलती है, तो ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। आप जैसे कल 9:30 बजे मेरे क्लास में आओगे, तो 9:30 बजे आपको ऑटोमेटिकली क्लास लाइव दिखेगा, तो आप वहाँ पे इजीली ज्वाइन कर पाओगे। और आपसे हम लोग डेली अगले कुछ दिनों के लिए एलिमेंट्री के ही क्लासेस कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ही है। आपके पास में जस्ट 10-15 दिन ही बचे हैं, तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल दिखा रहा हूँ, ग्रीन वेजिटेबल दिखाना है मतलब थोड़ा सा बुशेस की तरह से आप इसे कलर कर सकते हो। देखो, हमने आधा हिस्सा क्रिएट किया है, यहाँ पे इतना कलर कर दिया। अब बढ़ते हैं हम इस तरफ। यहाँ पे हमने जिस तरह से बोला कि हम एक आदमी दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो लेट्स ड्रॉ। ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा खुश है क्योंकि इसके पास में गिराइक आया है, जिसे ये सामान दे रहा है नाप तोल के। अब देखो, आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मेरा बेसिक ड्राइंग के हिसाब से ही मेरा क्या है यहाँ पे, इसने पकड़ रखा है, राइट? तराजू है यहाँ पे, यहाँ पे तराजू रखा है। ओके, धीरे धीरे। सलर सर, कैन विच कलर कैन वी यूज फॉर दिस ड्राइंग? सो देखो, ये है आपका मेमोरी ड्राइंग। ओके, बहुत बार क्वेश्चंस में टिपिकली लिखा जाता है कि आपको जल रंग मतलब वाटर कलर यूज़ करना है, बहुत बार। बट अगर मेंशन नहीं किया है तो आप पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हो, पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। पोस्टर कलर भी आपके वाटर ही लगता है उसके लिए, सो इट्स अ पार्ट ऑफ द वाटर कलर ओनली। ओके, पोस्टर कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हो, बट क्रेयॉन्स अवॉइड करो, क्योंकि क्रेयॉन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से आप कभी कभी लाइन से बाहर भी चले जाते हो। ओके, आपका कलरिंग लाइन से बाहर जाने की बहुत चांसेस होते हैं। सो बेटर गो विथ पोस्टर कलर्स और एक्रेलिक कलर्स और वाटर कलर। ये तीन सजेशंस मैं दूंगा। अगर आप पेंसिल कलर यूज कर रहे हो तो गो विथ अ डोम्स के पेंसिल कलर, जो कि इजीली अवेलेबल है, डोम्स DOMS। ओके, बहुत इजीली अवेलेबल है और पेंसिल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो आप ट्राई करके देखना, फिर आप मुझे बताना। तो डोम्स के पेंसिल्स भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, कलर पेंसिल्स भी चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपके क्वेश्चंस में मेंशन किया है कि आपको
वाटर कलर ही यूज़ करना है तो आपको वाटर कलर या फिर पोस्टर कलर जिसमें आप पानी का यूज़ कर रहे हो वैसा ही कलर आपको यूज़ करना होगा। फिर चाहे पोस्टर कलर करो, एक्रेलिक करो या वाटर कलर करो, तीनों भी चलेगा। ओके, कभी कभी स्पेसिफिकली पूछा जाता है, अगर नहीं पूछा है तो आप फ्री हो, आपको जो कलर करना है आप वो यूज़ कर सकते हो। वाटर कलर पेन यूज़ कर सकते हैं, येस यू कैन यूज़ वाटर कलर पेन ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। जब तक उसका इफेक्ट वाटर कलर से मैच हो रहा है डजेंट मैटर। अब हम यहां पे तराजू में कुछ सामान रख देते हैं। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपको लिंक नहीं मिल पाती। तब आप कल सुबह, अगर जैसे ही आप कल 9:30 बजे शाम को ज्वाइन करोगे, मेरे चैनल पे आ जाओ। मेरे चैनल का नाम तो आप सबको पता है, स्केच विद संदीप सोनी। जैसे आप मेरे चैनल पे आ जाओगे, आपको वहीं पे सबसे पहला ही आपको वीडियो दिखेगा जो कि लाइव दिखेगा, आप तुरंत लाइव में ज्वाइन हो जाना कल। ओके, और एक और बात कि ये क्लासेस जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ ये सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के लिए नहीं है, बट एग्ज़ाम होने के बाद भी हम लोगों के क्लासेस ऐसे ही रोज चलते रहेंगे, जिसमें हम हर बार कुछ नए ड्राइंग्स सीखेंगे। तो आप अगर ऐसे सीखना चाहते हो, हर रोज ज्वाइन करके कुछ नए नया ड्राइंग सीखना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करो। तो हम इस क्लासेस को आगे 1-2 साल तक कंडक्ट करेंगे डेली, हम लोग लाइक मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, मतलब वीक के 4 दिन आप लोगों को फ्री में हम ड्राइंग सिखाएंगे, जिसमें पेंसिल शेडिंग, कलर पेंसिल, एक्रेलिक कलर कैसे यूज़ करना है, आइज़ कैसे ड्रॉ करनी है, नोज़ कैसे ड्रॉ करना है, ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ करना है, ये हम सब चीज़ें हम एक एक करके सीखते जाएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, मेक श्योर कि आप मंडे से लेके थर्सडे तक डेली ज्वाइन करोगे। अगर किसी दिन आपने मिस किया तो आप सेकेंड डे उसका, बहुत बार अगर कलरिंग का पार्ट है सिर्फ बचा है तो आप बहुत सी चीज़ें समझ नहीं पाओगे, इसलिए डेली ज्वाइन करना इम्पॉर्टेंट है। आपके साथ में आपके दोस्त, आपके छोटे भाई जो भी है, आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हो, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, आपको ये सब फ्री में सीखने को मिलेगा। और मोस्टली फॉर द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, अगर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स में आप इंटरेस्टेड हो, गवर्नमेंट स्कूल से हो और आपको सीखना है, तो डेफिनेटली आप इस क्लासेस को फॉलो करो, ये आपके लिए ही स्टार्ट किया है बेसिकली। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करना, और आपके आसपास के आपके फ्रेंड्स और भी आपके भाई बहन जो दूसरे किसी गांव में हैं, दूसरे किसी शहर में, आप उनको भी इस क्लास के बारे में बताओ, ताकि वो भी आपकी तरह सीख सके। यहाँ पे क्या होगा, थैली होगी, एक थैली पकड़ा होगा उसने, सब्जी लेने आया तो थैली तो चाहिए ना हाथ में, हमने तो बनाई नहीं यहाँ पे, तो अब हम इसे यहाँ पे थैली बना देते हैं। हमने यहाँ पे एक थैली बना दी कुछ नाम देके। ओके, अगर आज हमारा ड्राइंग ठीक से पूरा हो जाता है, क्योंकि मैं ड्राइंग बनाने के बाद एक 10 मिनट वेट करूँगा, आप लोग भी ड्राइंग बना लीजिए आज। अगर आज पूरा हो जाता है तो आज ही हम स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हम कल ड्राइंग करना, मतलब ड्राइंग को कलरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग ऐसे ही फॉलोअप रखेंगे कि एक दिन हम ड्राइंग करेंगे अच्छे से और एक दिन हम उसे कलरिंग करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम तक एटलीस्ट हम 6-7 ड्राइंग्स तो कवर कर पाए। और ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेंगे जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं, ताकि आपको इजी हो एग्ज़ाम में उसे ड्रॉ करना। सर प्लीज़ कलर आज कराओ, पूरा कलर करना पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि सर इंसान कपड़े का आसान तरीका
सर नेट संपला उद्या दिखा कलर। यस हम लोग कलरिंग कल करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे के पास में इंटरनेट का इशू है डेफिनेटली, बट इट्स वर्थ। आप लोग एक बार बैठो पहले ड्राइंग बनाओ आज। अच्छा आपको पता है क्या यूट्यूब में कम्युनिटी भी होता है पता है आपको? अगर आप मेरे चैनल पे आओगे और मेरे चैनल में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये ड्राइंग पोस्ट करूँगा अभी, ताकि आपको अगर बाद में भी प्रैक्टिस करना है या फिर ड्राइंग अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है तो आप वहाँ पे भी देख के ड्राइंग का वापस बना सकते हो। ओके ऐसा नहीं कि अभी ये ख़त्म हो गया तो आप बना नहीं पाओगे, अगर आपका अभी पूरा बना नहीं है तो मैं अभी ये इमेज पोस्ट कर दूंगा, तो आप सब लोग वहाँ पे भी एक बार इमेज देख के वहाँ से कॉपी करके आप इमेज को बना सकते हो। ओके मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे करना है। सब चीज़ों का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, जो पहले मैंने पेंसिल से बनाया था मैंने उसे थोड़ा सा डार्क कर दिया है। तो ये है हमारा ड्राइंग। यस यू कैन ड्रॉ वूमन आल्सो, इट्स नॉट मैंडेटरी। मैंने नहीं बनाया इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बनाओगे। यस यू कैन मेक अ वूमन आल्सो, ओके एब्सोल्युटली फाइन। उससे आपका जेंडर डाइवर्सिटी भी आप दिखा पाओगे, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट इन अ एग्जाम। ओके तो वो भी आप, सर कैन वी यूज अ ब्लैक पेन फॉर बॉर्डरिंग द ड्राइंग इन द एग्जाम? नो, नेवर डू बॉर्डरिंग टू ड्राइंग। मेक श्योर दैट कभी भी आप ड्राइंग को बॉर्डरिंग नहीं करोगे किसी भी चीज। सिर्फ आपका बॉर्डर जो होता है वो पेंसिल से, ये जो बॉक्स दिख रहा है ना यही आपका बॉर्डर होता है बस। कोई भी ड्राइंग बनाने के बाद इंटरनल किसी भी ड्राइंग को आप कभी भी बॉर्डर नहीं करोगे, ब्लैक पेन से या वाइट पेन से, किसी भी पेन से आप कभी बॉर्डर नहीं करोगे। हमेशा याद रखो जो भी आपको डिफरेंशिएट करना है दो कलर्स के बीच में वो आपके कलर से ही डिफरेंशिएट होगा, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा भी। ओके सर वुमन का ड्राइंग बनाइए के दिखाइए, सिंपल है, कितना टाइम लगेगा? अगर इसी को मुझे एक वुमन में बनाना है यहाँ पे तो मैं कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले क्या करोगे? एक रफ ड्राइंग। कोई भी ड्राइंग करने से पहले क्या करोगे? एक रफ ड्राइंग बनाएगा। अब रफ ड्राइंग होने के बाद अब हम इसे साड़ी ब्लाउज, गहने दिखाने चाहते हो तो गहने भी दिखा दीजिए। सेम टेक्निक में हमने अब यहां पे इनके हाथ में हम थैली दिखा देते हैं, चूड़ियां, और ये साड़ी। साड़ी बनाओ या ड्रेस दिखाना है तो आप ड्रेस बनाओ, जैसे आप चाहो उस हिसाब से आप बना सकते हो, टेक्निक वही रहेगी। ओके अब इसे हम नहीं, कैन वी यूज़ द ब्लैक पेन फॉर बॉर्डर ड्राइंग? नहीं,
हमें कुछ भी हो हमें ड्राइंग नहीं। वो सर स्कूल में बोला कि हम बॉर्डर ब्लैक पेन से कर सकते हैं। बॉर्डर मतलब ये बॉर्डर, ड्राइंग को बॉर्डर एक्चुअली ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब ड्राइंग करते हो तो बेसिकली आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आप कलर से उसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। ओके, बॉर्डर से करने से बहुत बार मार्क्स कम होते हैं, मेक श्योर। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। करना है नहीं करना ये हर एक के डिपेंड है, बट ना यूज़ करो तो उससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप उससे ड्राइंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। ओके, इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, बट ट्राई करो कि बॉर्डर ना करो ब्लैक पेन से। बॉर्डर आपकी सिर्फ ये होती है, ये वाली, बस इतनी ही बॉर्डर आपकी ड्राइंग की होनी चाहिए। बाकी जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ करो। पेंसिल से ड्रॉ होने के बाद, अच्छे से ड्रॉ होने के बाद आप इसे कलरिंग कर दो। दैट्स इट, इतना ही चाहिए, जस्ट फॉर आइज नहीं चाहिए। जस्ट फॉर आइज ऑल्सो नॉट रिक्वायर, यूज ब्लैक पेन ना। हाँ, ब्लैक पेन यूज फिर आइज के लिए तो कर सकते हो। आइज के लिए तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आईब्रोज और आइज दिखाने पड़ेंगे, इसलिए वहाँ पे आप पेन यूज करो। या तो वो भी आप ट्राई करो कि ब्रश से कर पाओ। ब्रश के लिए आप 000 ब्रश हो सके, अगर आपके आसपास में कहीं मिलता है तो 1000 नंबर का ब्रश जरूर खरीद के रखो। अगर नहीं मिलता है तो 0 नंबर ब्रश भी चलेगा। ओके, बट 000 इज मच बेटर। ओके, ये बहुत इजीली मिल जाएगा, लेकिन ये है कि बहुत पतला ब्रश होता है, तो इसे केयर भी उतनी ही करनी पड़ती है। बट अगर नहीं है आपके आसपास में तो 0 नंबर का ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑयल पेस्टल यूज़ कर सकते हो, बट नॉट सजेस्टिंग दैट, क्योंकि ऑयल पेस्टल जब आप यूज़ करते हो थोड़ी देर के बाद में वो थोड़ा सा कम हो जाता है या फिर घिस जाता है, तब आपका उसका शार्पनेस चला जाता है। हमें कलरिंग करते वक्त बहुत बार शार्पनेस की ज़रूरत होती है, जो ये शार्पनेस पॉइंट होता है उसकी ज़रूरत होती है। जब हम कलर कम करते हैं तो ये निकल जाता है। सर आपके पास 0 ब्रश है क्या? यस, मेरे पास 0 ब्रश है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अभी। अब मेरे पास 0 और 000 दोनों भी ब्रश अवेलेबल है। तो ये जो ब्रश है मेरे हाथ में, ये वाला, ये है 0 नंबर का। अब इस पे 0 कहाँ पे लिखा है, कैसे पता चलता है कि ये 0 नंबर का ब्रश है कि नहीं है? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 0 नंबर लिखा है। ओके, तो ये ब्रश हो गया मेरा 0 नंबर का, इतना छोटा सा। बट इसके मुताबिक मेरे पास एक और ब्रश है जो कि उससे भी छोटा है। देखो, दिख रहा है, ये उससे भी बहुत पतला है, इतना पतला ब्रश होता है, तो इसकी केयर ज़्यादा करनी होती है। और सेम इस पे भी लिखा होता है 000, बट अभी यहाँ पे जो लिखा था 000 वो हट चुका है। यहाँ पे एक्चुअली कैमल लिखा है, कैमल के पहले यहाँ पे 000 लिखा हुआ था, जो कि अब यूज़ कर करके वो चला गया यहाँ से। ओके, बट ब्रश इज़ देयर, चूँकि ये 000, ये उससे बहुत पतला है देखा जाए तो। ओके, सो 000 ब्रश जो होता है वो हमेशा आपको आईज वगैरह ड्रॉ करना है, छोटी छोटी चीज़ों को ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर यूज़ करना है। अच्छा, अब मैं आपको कम्युनिटी के बारे में बता रहा हूँ। ओके, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, सबसे पहले जैसे आप, ये आप सबको पता है राइट, स्केच विद संदीप सोनी, इस चैनल पे आ जाओ। कल आपको क्या करना है, देखो कल आपको क्या करना है। बहुत से बच्चे जो आज नए आए हैं, सबसे पहली बार आए, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल अगर आप लोगों को 9:30 आपको लिंक नहीं मिली गलती से कहीं पे, अगर आपके टाइम नहीं मिला या फिर लिंक नहीं मिल पाई आप लोगों को, तो करना क्या है, सबसे पहले मेरे चैनल पे आना है। चैनल पे आते सबसे पहला वीडियो दिखेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे लाइव लिखा दिखा देगा, तो इसमें आप ज्वाइन हो जाओगे, तो आपको वैसे भी आप मेरे लाइव जो कल क्लास चलेगा उसमें आप आ जाओगे। एक, अभी ये जो ड्राइंग मैंने कंप्लीट किया है ये मैं कहाँ पे डालूंगा, तो मेरे चैनल पे ऊपर देखो होम वीडियो प्लेलिस्ट, इसके बाद एक कम्युनिटी आ रहा है, तो इस कम्युनिटी में मैं अपने ड्राइंग यहाँ पे डाल दूंगा। ओके, ताकि वो आप सब लोग देख पाओगे, आप उसे देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे वो इमेज दिख जाएगा। ओके, जैसे कि अगर मेरा एक, अच्छा एक और ये बात,
जो बच्चे आज पहली बार आए, जिनको ये नहीं पता है कि हमने कौन कौन से क्लासेस अभी तक कंडक्ट किए हैं उनके लिए, ओके, जो आज पहली बार आए हैं क्लास में उनके लिए, प्लेलिस्ट पे जाओ, मेरा ये चैनल है, राइट। चैनल के बाद एक सेकेंड ना, ये मेरा चैनल है, राइट। चैनल पे देखो ऊपर वीडियो है, वीडियो के साइड में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम प्रिपरेशन करके एक चैनल दिखेगा जिसमें अभी तक 20 वीडियो हमने बनाए हैं, ओके। 20 वीडियोस के अंदर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। एलिमेंट्री देखो, स्टिल लाइफ ड्राइंग कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, लेटरिंग कैसे करना है, ज्योमेट्री के 4 वीडियोस बनाए थे हमने, तो ज्योमेट्री के 4, डिज़ाइन के 3-4 वीडियो हमने बनाए, ये सब आपको वहाँ पे मिलेगा। स्टिल लाइफ, स्टिल लाइफ में बाद में फिर हमने एक ऑब्जेक्ट्स ड्राइंग करके दिखाया, फिर हमने कलर भी करके दिखाया, तो ये सब आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल पे जाओ, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाके आप यहाँ पे एलिमेंट्री इंटरमीडिएट, अगर आपको मेरे बाकी के ड्राइंग्स भी देखने हैं जो मैंने बना रखे हैं, तो आप कलर पेंसिल पे भी जाओगे तो आपको कलर पेंसिल पे मेरे कुछ और भी ड्राइंग दिख जाएंगे, जो आप अगर सीखना चाहते हो तो आप इसको ओपन करो और आप यहाँ पे सीख सकते हो। सर आप थोड़ा जल्दी टाइम नहीं रख सकते क्या? एक्चुअली सर मेरा भी एक प्रॉब्लम है, मेरा 8:30 से 9:30 बजे मेरा खुद का एक लर्निंग सेशन चलता है, तो मैं कुछ प्रोग्राम्स सीख रहा हूँ तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम मेरा रहता है, तो 8:30 से 9:30 बजे तक मैं नहीं कर पाता हूँ, बट 9:30 बजे डेफिनेटली आई एम देयर फॉर एवरी वन। तो 9:30 से 10:30 या फिर 9:30 से 10 जो भी टाइम है हम उसमें डेफिनेटली ज्वाइन करते हैं। अब कुछ बच्चों के सवाल है कि हमें ग्रुप ज्वाइन करना है, हमें लिंक नहीं मिलती टाइम पे, उन बच्चों के लिए बट नॉट कंपल्सरी, ओके। आई एम टेलिंग अगेन, जो अब मैं बात बता रहा हूँ वो कंपलसरी नहीं है। अगर आप, मैंने आपको अभी बता दिया कि आपको कैसे लिंक, आपको लिंक नहीं मिलती तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, बट अगर किसी बच्चे को कनेक्ट करना है, ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मेरा नंबर लिख लीजिए, 8237585956, बहुत सिंपल सा नंबर है, 8237585956, इस नंबर पे ही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए तो मैं आपको, एक ड्राइंग का ग्रुप है मेरे पास, मैं उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगा, ताकि वहाँ से तो आपको डेफिनेटली डेली लिंक मिलेगी ही मिलेगी, ओके, वहाँ पे कभी मिस नहीं होता है। बट इन केस अगर आपके पास में लिंक नहीं है तो आप सिंपली जैसे मैंने बताया 9:30 बजे आप मेरे चैनल पे आ जाइए, वहाँ पे आपको मैं लाइव सेशन आपको दिखेगा, मतलब दिखेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे के दिन क्लासेस नहीं होते, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे 3 दिन क्लासेस नहीं होता है, सिर्फ मंडे से लेके ट्यूसडे तक हमारे। सर नीचे ग्राउंड को कौन सा कलर दे? इट्स ऑरेंज, ऑरेंज प्लस येलो प्लस पिंक रेड, ओके, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जाएगा तो ये मिट्टी का कलर बनता है, तो हमें वहाँ पे वो कलर देना है। और किसे देना है? सर हम कल इसे कलरिंग करेंगे, तो आज का ड्राइंग मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ये ड्राइंग मैं अभी थोड़ी देर में ही वहाँ पे डाल दूंगा, प्लस ये जो वीडियो अभी हमने बनाया है, अभी जो हम लोग लाइव सेशन किया है, ये लाइव सेशन भी अभी रिकॉर्डिंग होके आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा 5 से 10 मिनट के बाद में, तो आप इस वीडियो को वापस देख पाओगे, ओके। और आप चाहे जितनी बार इसको देख पाओगे, ऐसा भी नहीं कि आप एक ही बार देख पाओगे, तो सारे वीडियो की तरह जैसे मैंने एलिमेंट्री के अभी आपको वीडियोस दिखाए वैसे ही आप सारे वीडियोस को वापस देख पाओगे, ओके। तो अभी के लिए अच्छा, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं क्या? और सर फिर से बताओ, तो इट्स अ येलो प्लस ऑरेंज प्लस थोड़ा सा ब्राउन कलर, तीनों का कॉम्बिनेशन जब आप करते हो तो ग्राउंड का कलर बनता है, तो आप उसे वैसे यूज़ कर सकते हो। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? अच्छा मैं आप लोगों को एक ड्राइंग दिखाने वाला हूँ, ओके, आप लोग अभी हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ओके, आई एम हियर। अब ये देखो दिख रहा है,
ये पेंसिल से बनाया हुआ ड्राइंग है और ये मेरा ही ड्राइंग है जो मैंने बनाया है। मैं आप लोगों को इस तरह के ड्राइंग सिखाऊंगा आगे, बट उसके लिए आपका साथ चाहिए। इसे सीखने के लिए आपको एटलीस्ट 3-4 मंथ तक डेली आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, तो फिर आप भी इस तरह से ड्राइंग डेफिनेटली बना पाओगे। मेरा नंबर है 8237585956। आई एम रिपीटिंग अगेन, 8237585956, 8237585956। ये एक और ड्राइंग है, मैं आप लोगों को इसी टाइप्स के ड्राइंग सिखाऊंगा आगे। और ये एक विच इज़ माई वेरी फेवरेट, लॉक एंड की, जिसमें ताला है और पेंसिल है। ये कलर पेंसिल से बनाया है और डोम्स की कलर पेंसिल्स है जो कि 100 रुपीज़ में मिलती है। तो मेरे ड्राइंग्स बनाने के तरीके भी अलग हैं और सिखाने का तरीका भी अलग है। तो मैं कम से कम पैसों में कैसे अच्छे ड्राइंग्स कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा भर देता हूँ। तो मैं आप लोगों को इसी तरह के ड्राइंग्स आगे सिखाऊंगा, ओके। तो बस आप लोगों को करना क्या है, मंडे से थर्सडे डेली ज्वाइन करना है, और आपके कोई दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी ड्राइंग सीखना है तो आप डेफिनेटली उनको भी सजेस्ट कर सकते हो, वो भी आपके साथ ही ड्राइंग सीख पाएंगे। तो ये हम कल कलर करेंगे, ओके। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? नहीं है तो फिर आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं क्लास। हम कल इसे कलरिंग करेंगे, 9:30 बजे सब बच्चे ज्वाइन होना है। आपके पास कलर्स होने चाहिए, आपके ब्रश होने चाहिए, अगर आप पेंसिल कलर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास पेंसिल कलर्स का सेट होना चाहिए। तो हम कल इसे कलर करेंगे, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, विल मीट टुमारो एट 9:30। मैं पुणे से हूँ सर। मैं पुणे से हूँ, या शिरत्या, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हम कल कनेक्ट करेंगे 9:30 बजे। मैं पुणे से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे तो है सबके लिए, 8237585956, 8237585956, 8237585956। बाकी के स्टूडेंट्स आप ड्रॉप कर सकते हो अब। हम कल इसे 9:30 बजे कलरिंग करना स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर।